हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं, एक इनडेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं कि आने वाले समय में उसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है और आने वाले समय में ये कितना उम्दा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से और वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं और दबा के देखते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है। पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये कंपनी कई फील्ड में है, जैसे कि कॉर्न प्रोसेसिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एडिबल ऑयल रिफाइनिंग, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, आटा चक्की, कैटल फीड, रिन्यूएबल एनर्जी और कॉटन यार्न के बिजनेस में यह कंपनी काम करती है। दोस्तों, आप इसके बिजनेस सीरीज को बारी बारी से समझ सकते हैं जो मैंने बताया, जैसे कि कॉर्न प्रोसेसिंग, जिसे कि हम भुट्टा बोलते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैजे स्ट्रेच, हाई मोल्टेज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज और डेस्ट्रोज एनी डोज लिक्विड सोलोबिटल और माल्टो डेक्सट्रीन पाउडर, कॉर्न ग्लूटेन मील, मैजे जर्म और फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, डेक्सट्रोज सिरप, कॉर्न स्टिप लीकर, एलो वाइट डेक्सट्रीन, ये सभी तरह के प्रोडक्ट ये इस बनाती है यह कंपनी कॉर्न प्रोसेसिंग के जरिए। अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देख लेते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटी, एक्टिविटी, प्लांट लोकेशन और प्रोडक्ट जो बनाती है कंपनी, उन सब के बारे में जानकारी दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का हो गया, जिसमें कि यह लिक्विड सोया, डिफ्टेड सोया फ्लोर, फ्लैक्स ग्रिट्स, फुल फैट सोया फ्लोर, सोया ग्रेन्यूल, सोया नजेट्स, सोयाबीन मिल, हाइप्रो सोयाबीन मिल, रिप्रेस्ड मिल, कॉस्टर मिल्स और सनफ्लावर मिल, कॉटन सीड और ग्राउंड नट मिल, इस तरह के प्रोडक्ट यह कंपनी तैयार करती है। आप ऑयल, एडिबल ऑयल रिफाइनिंग के बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके ब्रांड के बारे में पढ़ सकते हैं जो कि किस नाम से है आप देख सकते हैं, अंबुजा गोल्ड, हेल्थ मैजिक, संपूर्ण और हैप्पी नाम के ब्रांड से यह काम करती है कंपनी। आप यहाँ पे प्लांट लोकेशन देख सकते हैं, कैपेसिटी देख सकते हैं और प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑयल से संबंधित दिखाई दे जाएगा। जो अगला इसका बिजनेस है वो है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। इसमें यह 15 किलो टीन के डिब्बे बनाती है। इसके प्रोडक्ट के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंबुजा मून, त्रिवेणी, हैप्पी, ओजस, इस ब्रांड के नाम से यह कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे आप प्लांट लोकेशन देख सकते हैं, यह 15 केजी टीन, 15 लीटर टीन, 15 केजी जार, 15 लीटर जार, इस साइज में यह जो है कि ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को पैक करती है। कॉटन यार्न के बिजनेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट लोकेशन, कैपेसिटी, एक्टिविटी और पैक्स आप देख सकते हैं, कार्टन, पैलेट, एक्सपोर्ट वर्दी, कोल स्वेट, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों, यह कंपनी आटा चक्की का भी काम करती है। आप देखिए कि आटा भी बनाती है, यानी जिसमें कि इसके जो ब्रांड है वो है अंबुजा गोल्ड, प्राइम चक्की फ्रेश के नाम से यह कंपनी आटे की पैकेजिंग करती है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके प्रोडक्ट, होल व्हीट फ्लोर आटा, वीट फ्लोर मैदा यह कंपनी बनाती है। आप इसके लोकेशन और कैपेसिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट बिजनेस है दोस्तों, कैटल फीड। यह कंपनी पशुओं के लिए आहार बनाती है। आप यहाँ पे प्लांट और कैपेसिटी, उसके बाद ब्रांड भी देख सकते हैं, इस नाम से यह कैटल फीड तैयार करती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यह कंपनी रिन्यूएबल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में कार्यरत है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। आपको यहाँ पे कैपेसिटी दिखाई देगी, मेथडोलॉजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, विंड एनर्जी कहाँ कहाँ पे यह कंपनी प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रिक्ट जामनगर और डिस्ट्रिक्ट कच्छ, जो कि गुजरात में ही दोनों है, यहाँ पे यह 10 मेगावाट
विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आप यहाँ पे सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ सकते हैं, 1 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट है इसका ससनेर और डिस्ट्रिक्ट अगर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कैपेसिटी कितनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मेगावाट जो है कि सोलर प्लांट का अकाला महाराष्ट्र में भी है, 2 मेगावाट सोलर प्लांट हुबली में भी है जो कि कर्नाटका में पड़ता है, और 1 मेगावाट प्लांट काड़ी यानी गुजरात में है, और 1 मेगावाट प्लांट हिम्मतनगर गुजरात में है। दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी की जर्नी को पढ़ सकते हैं, काफी अनुभवी जो इसके प्रमोटर हैं वो काफी अनुभवी हैं, जो इसके एम्प्लॉय हैं वो भी काफी अनुभवी है, काफी लंबे समय से यह कंपनी काम कर रही है। इन्होंने अपना माइलस्टोन दिखाया है कि हमने कब क्या क्या किया है। आप यहाँ पे 2028 से 22 में इन्होंने क्या काम किया है इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने 1 मेगावाट सोलर प्लांट अकाला महाराष्ट्र में लगाया है, और अपकमिंग 1000 TPD स्टेट ऑफ मैज क्रशिंग प्लांट मालदा में लगेगा वेस्ट बंगाल में, और 1000 TPD कार्न वेट माइनिंग प्लांट जो है कि सितारगंज उत्तराखंड में ये कंपनी लगाएगी। एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो लगातार इम्प्रूव हुआ है। आपको ऐसी कंपनी चाहिए। आप देखिए कि 2021 में 25 हो गया है, वही 16-17 में 20% का ग्रॉस मार्जिन था, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। दोस्तों आप कंपनी के ईबीटा मार्जिन को भी देख सकते हैं। ईबीटा मार्जिन 16-17 में 8.69 था, 17-18 में 9.67 है, वो बढ़ के अब 11.93 हो गया है। दोस्तों आप कंपनी के रेवेन्यू ईबीटा और पैट ट्रेंड को 5 वर्षों के लगातार देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो नेट टैक्स होता है वो जो नेट प्रॉफिट होता है उसको भी आप देखिए, 16-17 में 159 था, 17-18 में 180 हो गया, 18-19 में 198 हो गया, 19-20 में कोरोना काल के चलते एक्सपोर्ट पे थोड़ी सी पाबंदी हो गई थी, 146 करोड़ हो गया, लेकिन कंपनी ने फिर रिकवर करके 338 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। आप यहाँ पे कंपनी के ईबीटा और रेवेन्यू को भी ध्यान से देख सकते हैं, रेवेन्यू और ईबीटा भी लगातार इंक्रीज हुआ है। दोस्तों कंपनी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि कंपनी पावर से रेवेन्यू जनरेट करती है, कॉटन से करती है, मैजे से करती है जो कि भुट्टा होता है, एग्रो से करती है, और टोटल रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको एग्रो बिजनेस से और भुट्टे यानी मैजे से आ रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों आप इसके रेवेन्यू सेगमेंट को यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप इसके 10 वर्षों के रेवेन्यू हिस्ट्री को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 11-12 में कंपनी का रेवेन्यू 2130 करोड़ रुपए था, वहीं 2021 में अब बढ़ के 4705 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों आप यहाँ पे स्टॉक की प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। 20 में 118 रुपए पे यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और फिर उसके बाद 21 में 159 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट जिस हिसाब से बढ़ा है इसका प्राइस चेंज उस हिसाब से नहीं हुआ, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल में इसका इसमें यहाँ पे जो FII की हिस्सेदारी है वो बढ़कर 5% के करीब हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 21 का डाटा है सितंबर, यहाँ पे आप देख पाएंगे। दोस्तों लगभग में यह पैन इंडिया कंपनी काम करती है। आप देखिए प्लांट लोकेशन, और यह एक ग्लोबल एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। भारत में इसके प्लांट कहाँ कहाँ पर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको पहुँच करके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों यह कंपनी कई देशों में एक्सपोर्ट का काम भी करती है, 75+ कंट्रियों में यह कंपनी एक्सपोर्ट करती है, आपको ये जानना चाहिए। आप यहाँ पे पहुँच करके कंपनी के अवार्ड जिसमें कंपनी
जीती है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इसके अचीवमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गायल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों गायल लिमिटेड मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों कंपनी का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, यानी शॉर्ट कट कर दें इसको तो गायल लिमिटेड हो जाता है। फिलहाल में यह स्टॉक जो है कि 6450 करोड़ का है, इसका मार्केट कैप 281 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और 394 का हाई है, 150 का लो है, 0.23 का डिविडेंट है, फेस वैल्यू एक है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, मामूली सा डेट है, इंटेंसिव वैल्यू 206 है, वहीं बुक वैल्यू 92 रुपये है, ROE और ROC अच्छा है, स्टॉक पी 13 है जबकि इंडस्ट्री का पी 52 है। दोस्तों यह स्टॉक कभी भी 4 गुना हो सकता है, आप इसके रेवेन्यू के बारे में जाके देख सकते हैं, इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन को जाके देख सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, आपको इसके बारे में अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी वीडियो छोटी सी किसी कंपनी के बारे में। अगर किसी कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा हो, कंपनी एक्सपेंशन कर रही हो, कंपनी का प्लान एक लॉन्ग टर्म होराइजन का हो, तो आप उस कंपनी में अवश्य ही जा सकते हैं। और कंपनी अपने आप को अच्छे ढंग से मैनेज करने वाली लग रही हो और कर रही हो अपने आप को, तो आप उस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।